हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम कुनाल एंड यू आर वाचिंग कुनाल ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैं हूँ यहाँ पे एक बिल्कुल ही नए स्टोरी के साथ। हम लोग जा रहे हैं रोजी पोर्ट साइकिलिंग करते हुए बिल्कुल ही ठंड के मॉर्निंग में। तो आपको एक नया स्टोरी दिखाऊंगा कि आज कैसे हम लोग रोजी पोर्ट जाएंगे साइकिल से। मेरे घर से करीब वो है 10 किलोमीटर, और जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो पूरी स्टोरी आपको बताऊँगा। अभी मेरा एक फ्रेंड भी है मेरे साथ, मैं उससे भी मिलवाऊंगा आपको। हम लोग जा रहे हैं इन दो साइकिलों से, एक है मैक्स सिटी और एक है हीरो स्प्रिंट। तो अभी इन दोनों साइकिल की जर्नी हम लोग साथ में करेंगे, और मिलिए मेरे फ्रेंड से। ये है विनेश, हेलो। ये है दोनों साइकिल जिससे हम लोग जाएंगे अभी। ये हरकुलिस की मैक्स सिटी, वैसे तो ये शॉक अब्जॉर्बर के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी 10 किलोमीटर की जर्नी करने में बिल्कुल ईजी रहता है, क्योंकि ये काफ़ी हल्की है चलने में भी और वेट के हिसाब से भी। ये है विथ शॉकर, हीरो की साइकिल है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ये जर्नी रोजी पोर्ट की, जो करीब 10 से 11 किलोमीटर की है। लेट्स गो। चलिए शुरू करते हैं एक अमेजिंग साइकिल राइड। बने रहिए अंत तक, क्योंकि मैं इसमें दिखाऊंगा इंटरेस्टिंग व्यूज और बहुत से यूजफुल इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग जा रहे हैं बेदी बंदर रोड से रोजी पोर्ट की तरफ, और चलते ही हमें दिखा नंद विद्या निकेतन स्कूल, जो कुछ हद तक होटल ताज से मिलता जुलता है। तो फ्रेंड्स, साइकिलिंग के बारे में अगर मैं बताऊं, साइकिलिंग जो अपने आप में काफ़ी अमेजिंग स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटी है, ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। साइकिलिंग करने से हमारा मसल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ता ही है, साथ साथ हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। तो साइकिलिंग के समय अगर आप अपना पोस्चर सही रखते हैं, तो ये आपके पोस्चर करेक्शन में भी इम्पॉर्टेंट रोल पर प्ले करता है, और साइकिलिंग हड्डियों को मजबूत करता है और बॉडी फैट को भी कम करता है। तो ये थे साइकिलिंग के फ़ायदे। और अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, तो साइकिलिंग के लिए आजकल बहुत सारे गियर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और अगर हम साइकिलिंग करते हैं तो रनिंग की तरह ये हमारे स्टेमिना को भी इम्प्रूव करता है। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ फिटनेस को लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट रहते हैं, उस केस में साइकिलिंग काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं अमेजिंग व्यू, जिसमें है बोथ साइड वाटर स्टोरेज और सामने की तरफ एक ब्लू स्काई, और अलग तरह के बर्ड्स, काफ़ी अलग अलग तरह के बर्ड्स भी यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। ये जो पानी आप देख रहे हैं दोनों तरफ, उसका इस्तेमाल नमक बनाने में होता है। तो अब मैं बढ़ाता हूँ अपने साइकिल की स्पीड और छोड़ता हूँ विजेश को पीछे। कमान कमान बॉय, देखते हैं कितनी देर तक ये मेरे पीछे आ पाता है या फिर सरेंडर कर देता है। लेकिन विजेश भी है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और लगा रहा है अपना पूरा दम, लेकिन मैं तो आज आगे निकल जाऊंगा, ये श्योर है। तो विजेश आगे निकल गया है, और इसका कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, फिर भी ये अपनी स्पीड कम नहीं कर रहा है, काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ता हुआ। और लेकिन मैं भी इसको छोड़ूंगा नहीं, और अपने स्पीड से इसको बीट करूंगा। कमॉन 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 कुनाल कमॉन, और गया ये लड़का पीछे। अब तो नहीं छोड़ने वाला हूं मैं इसको। कमॉन कमॉन कमॉन, अब इस तरह से मैंने विजेश को पीछे छोड़ दिया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इन पंछियों को, जो यहाँ स्वच्छंद तरीके से उड़ान में लगी हुई है, क्योंकि जामनगर में एक बर्ड सेंचुरी भी है, इस वजह से यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स जो बाहर कंट्री से आती हैं वो बहुत ज़्यादा रहती हैं, और ऐसा सिचुएशन उनके लिए काफ़ी अनुकूल रहता है। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो अगर बात करूँ 10 से 12 किलोमीटर बाईसाइकिल राइड की, तो अगर हवा अपोजिट डायरेक्शन से नहीं आ रही है, अगर जो विंड डायरेक्शन है वो आपके अपोजिट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। 10 से 11 किलोमीटर एक तरफ से, मतलब टोटल लगभग 20 से 22 किलोमीटर की जर्नी होती है अप एंड डाउन। तो अगर आप अधिक स्पीड से नहीं चला रहे हैं, नॉर्मल स्पीड से चला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा थकावट नहीं होती है, और ईजिली आप इसको अचीव कर सकते हैं। तो अगर ये रोड भी देखा जाए, तो बिल्कुल ही सुनसान तरीके का रोड है, चारों तरफ शांति है। ये देख रहे हैं गुजरात मैरीटाइम बोर्ड का यहाँ रोजी पोर्ट का रास्ता बताते हुए। तो
बहुत ही सुनसान तरीके का रोड है और इस पे साइकिलिंग करना काफ़ी सेफ भी मान सकते हैं आप, क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, कोई ज़्यादा व्हीकल भी रोड पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो बिल्कुल ही सेफ मान सकते हैं आप। तो जो भी साइकिल, चाहे नॉर्मल सी एक साइकिल हो, अगर आप उसे लेकर निकलते हैं तो आपके डेली डे टू डे लाइफ के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल और एक बूस्ट की तरह साबित हो सकता है। तो अभी हम लोग रोजी पोर्ट पहुँचने ही वाले हैं और मैं ये स्टंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूं कि ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है जब भी आप साइकिलिंग कर रहे हों, क्योंकि साइकिल जो है बहुत ही लेस स्टेबल चीज़ होता है और ये कभी भी आपको मुंह केवल गिरने को मजबूर कर सकता है, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं जस्ट रोजी पोर्ट पर और हमारे लेफ्ट की तरफ, मेरे लेफ्ट की तरफ जो आप ग्रीन ट्रीज देख रहे हैं वो है मैंग्रोव का। और ये मैंग्रोव का ट्री जो है वो, इसकी खासियत ये है कि ये ओनली सॉल्टी वाटर में ही होता है और सॉल्टी वाटर में दूसरा तो कोई पेड़ नहीं होता है। तो ये मैंग्रोव ट्री की खासियत ये होती है कि जब इसको ऑक्सीजन कम पड़ता है तो इसकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन से बाहर की तरफ निकल जाती हैं और वहाँ से वो अपनी जड़ों से ऑक्सीजन खींचता है, जिसकी वजह से ये अपने आप में एक डिफरेंट तरह का ही है ट्री जो सॉल्टी वाटर में होता है। तो विदेश लग रहा है, थोड़ा सा थक गया है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, अब हम लोग पहुंचने वाले हैं तो अब हम रोजी पोर्ट पर पहुंच जाएंगे और तुम्हारी थकावट दूर हो जाएगी। चलो कम ऑन, स्पीड बढ़ाओ अपना, जस्ट हम लोग अब पहुंचने ही वाले हैं। तो देखते हैं अगर लो टाइड है या हाई टाइड है, जैसा भी वहां पे सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से वाटर अवेलेबल रहेगा। अगर लो टाइड है तो वाटर पीछे की तरफ चला जाता है, दूर से आपको ब्लू वाटर। अब हम लोग पहुँच गए हैं वहाँ पर और विजेश जो है काफ़ी थका हुआ है और इसकी साइकिल गिर गई। ओह माय गॉड, हेलो फ्रेंड्स, पहुंच गया हूं मैं रोजी पोर्ट पे और अभी आप देखेंगे मेरे पीछे की रोजी पोर्ट कैसा दिखता है। एक्चुअली में अभी है लो टाइड का टाइम, हमें टाइम लगे हैं हाफ एन आवर। तो मैं मिलाता हूं अपने फ्रेंड से, ये है विजेश जो मेरे साथ ड्राइविंग करके यहां तक आया है, साइकिलिंग करके यहां तक आया है। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच गया हूं रोजी पोर्ट पे और आप देख सकते हैं कि अभी हमें घर से आने में लगे करीब आधे घंटे, डिस्टेंस था करीब 10-11 किलोमीटर का और मॉर्निंग आवर की जर्नी होने की वजह से थोड़ा वेदर भी थोड़ा सा ठंडा सा था और काफ़ी मज़ा आया हमें साइकिलिंग करने में। फिटनेस के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आपको भी कभी मौका मिले ऐसे साइकिलिंग करने का एक ऐसी जगह पर जो बिल्कुल शांत हो और नेचर से कनेक्ट कर पाए आप, तो ज़रूर साइकिलिंग करें। फिटनेस के लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि जो बंदा फिट है वही हिट है। तो मैं दिखाता हूं आपको साइकिल, ये है मेरी वाली साइकिल जिससे मैं आया हूं और इससे आया है मेरा फ्रेंड। तो यहां रोजी पोर्ट पे अभी लो टाइड का टाइम चल रहा है जिसकी वजह से पानी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पुराना एक मेरा वीडियो है और मैं दिखाऊंगा कि वाटर लेवल जो यहां पे है वो काफी ऊपर तक आ जाता है, होता रहता है, लेकिन आज बाय लक यहां का वाटर लेवल बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको दिखाऊंगा ये हर एक डिटेल्स के साथ। रोजी पोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए यूज होता है इंटरनेशनली भी यहाँ से। और अभी जब हाई टाइड आएगा तो इसमें पानी बिल्कुल ऊपर तक देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको एक अलग वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये एक्सपीरियंस रहा काफ़ी अमेजिंग और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये पूरा जर्नी और अपना एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करिएगा अगर आपने कोई लॉन्ग साइकिल राइड किया हो तो। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे साइकिल और मोटरसाइकिल से किए हुए वीडियो एक्सपीरियंस मिल जाएंगे, तो जरूर देखें कुनाल ब्लॉग्स पे और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को कनेक्टेड रहने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली बार।